करके देखो, बिल्कुल रेड रेड मून, मून का कलर देखो। ओह ये क्या था, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, जल्दी जल्दी लाइट ऑन करो। ओह शूट, ये क्या था? ओ भाई, सो अभी यहीं से गई थी वो जो कुछ मूव हुई थी, और नीचे उतर के हमने देखा तो एक रूम मिला हमें। अब हम वापस जा रहे हैं और रोड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखो कितना भाई साहब, भाई इतनी तो सर्दी भी नहीं आई अभी, जितना फॉग जैसा ही हो रहा है। देखो बहुत ही अजीब सा अब तो मुझे फील हो रहा है, जब से वो शेडो दिखी है ना मुझे, अब तो मुझे फील हो रहा है भाई कुछ है यहाँ पे सही में। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ओ भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सामने, एकदम से सब कुछ गायब। ये देखो बीच बीच में आ रही है, देखो दोस्तों कैसी कैसी जगह पे हम जाते हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार अभी फटाफट से, बाद में आप लोग भूल जाओगे। ये क्या है, ये किस चीज की दीवार है यहाँ पे? ओ भाई ये क्या था भाई, क्या क्रॉस किया है? अरे क्रॉस किया वो छोड़े, देखो गाड़ी भी पूरी पलट गई इधर, मतलब ये रास्ता इधर राइट में, देखो दिखाता हूँ मैं रास्ता, दिखाता हूँ उधर उस तरफ कुछ है उधर, इधर ना मेरे को भी लगा ये जंगल की साइड कुछ गया है। ओ भाई ये यहीं से देखा था ना हमने, हाँ इधर ही गया था कुछ। आ जाओ देखते हैं यार आराम से, थोड़ा सा लाइट मुझे भी दिखा दो क्योंकि मुझे लग रहा है ये कुछ वैसा, इधर से आवाज आई कुछ इधर से ना, हाँ मुझे ऐसे लगा जैसे इधर से आई है। क्या आवाज थी, गुर्राने की बारी है, किसी के चलने की बारी है। देखते हैं थोड़ा सा इधर, मुझे वैसे यहाँ रास्ता कुछ है नहीं जाने का, वैसे यहाँ से लग रहा है ना। पता नहीं अजीब सी वाइब मुझे आ रही है अब यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे। अरे देखो गाइस आप लोगों के सामने है लोकेशंस, कैसी कैसी लोकेशंस पे हम कहीं पे भी घुस जाते हैं बस। अरे देख के ऐसा लग रहा है यहाँ कोई आता भी नहीं होगा, हाँ क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं है, पूरी झाड़ियाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे, और अगर आता भी होगा ना तो देखो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पर खैर अगर आया भी होगा तो कोई दिन में आया होगा, देख लेते भैया अंदर चल के, वैसे मुझे लग नहीं रहा कोई आता होगा यहाँ पे। थोड़ा सा नीट एरिया है उसमें हम चल रहे हैं, नीट एज इन की झाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है। इधर थोड़ा घना सा लग रहा है, इधर ही चलते हैं क्योंकि स्पिरिट्स उतनी नीट है। बिल्कुल जो अबेंडेंट प्लेसेस होती है ना उनको चूज करती है। ओए ये क्या था, ये क्या चीज है, कैप्चर हो रही है कैमरा में? दिख तो कुछ नहीं रहा, आवाज तो आ रही है लेकिन ये क्या था? ओ भाई एकदम से जैसे ही वहां से आवाज आई ना, यहां से मेरे पीछे से कुछ मूव होके गया।
मतलब आप आपने जब लाइट और वो आवाज़ बंद हो गई एकदम से, आपने जब लाइट उधर करी ना बिल्कुल अंधेरा था मेरी साइड में। तो ये लोकेशन थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है क्योंकि जंगल के अंदर हम अब आ गए हैं। थोड़ा सा और देखें, क्या कहते हो आप? जितना अंदर जा रहे हैं उतना घना हो जा रहा जंगल। घना भी हो रहा है लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है इस घास के नीचे दलदल भी हो, तो वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है। क्योंकि देखो आगे उधर दिखाओ एक बार, ये जो एरिया लग रहा है ना उठाओ, उसके बाद में मुझे लग रहा है कोई लेक जैसे कुछ है, तो उधर जाने का मुझे लग नहीं रहा। बाकी आवाज़ जो आ रही थी वो इधर से आ रही थी और जो अभी मूवमेंट हुई वो जस्ट मेरे पीछे। इधर से भी कुछ आवाज़ आ रही है, फिर आवाज़ आई ना। तो यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एक बार कैमरा उधर घुमा के दिखाओ, पूरा लोकेशन दिखाओ पूरी, कितनी डेंजरस है लोकेशन लग रही है, पूरा जंगल का एरिया है ये। ये क्या हो यार, ये मेरे मतलब मैं जैसे ही अंधेरे में खड़ा हो रहा हूँ ना ऐसे अजीब अजीब से एक्टिव। ठीक है था, फिर से कुछ आवाज़ आई है यार, ये पता है जंगल का एरिया भी है तो मुझे ये सेफ नहीं लग रहा। एक काम करते हैं बाहर चलते हैं, जानवर वगैरह भी हो सकते हैं। जानवरों की तरह सबसे बड़ा है क्योंकि देख लो आपके सामने है, कुछ आवाज़ आई नहीं हो सकता है यहाँ पे सामने। ये पेड़ भी कुछ ज़्यादा अजीब सा लगता है, पत्ते हरे भी हैं इसके, सूखा हुआ भी है इसके अंदर, फल भी आ रहे हैं, बेर भी लग रहे हैं इसके अंदर और ऊपर पूरा हरा भरा है। हो सकता है दूसरे पेड़ ने इसको ढका हुआ, पत्तों में कीड़े भी लगे हुए हैं, जाले वाले सब लगे हुए हैं वही। और ये देखो क्या क्या पड़ा है यार यहाँ पे जंगल में, ये सब चीजें क्या कर रही है यहाँ पे। मतलब ऐसे ऐसे क्रिएट हो रहा है जैसे कोई छलावा छल कर रहा है हमारे साथ में कि तुम इधर आओ, फिर एक बार इधर से एक्टिविटी होती है, फिर अलग अलग जगह से आवाज़ आ रही है। ये क्या पड़ा हुआ है कुछ? वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं ये क्या सामान है, मूर्ति वूर्ति नहीं, वो पिलर जैसे होते हैं ना जो, ये जंगलों में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ देखो, एक बार लाइट ऑफ करो, अभी मेरे सामने नज़र में आई चांद, अगर इसमें रुको मैं एक बार फ़ोन से कैप्चर कर लेता हूँ, जो मून है बिल्कुल रेड हो चुका है अभी, एक बार लाइट ऑफ करो। देखो जंगलों के बीच में हम बिल्कुल कैप्चर कर रहे हैं उस चीज़ को, लाइट ऑफ करो, पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है ना, देखो बिल्कुल रेड रेड मून, मून का कलर देखो। ये क्या था? लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, जल्दी जल्दी लाइट ऑन करो। ओ भाई मुझे टच किया किसी ने, भाई जल्दी लाइट ऑन करो। कोई मूवमेंट नहीं है, मेरा हाथ ऐसे पकड़ा के खींचा है। चलना चाहिए यहाँ से, चलना चाहिए यहाँ से, बाहर चल के डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही है लोकेशन, यहीं से आए थे क्या हम? हाँ यहीं से आए थे। हाँ गाड़ी सामने करिए, तो भाई देख लो आप लोगों के सामने गाड़ी की पोजीशन, ये हमारा रास्ता था और जैसे ही वो चीज़ इधर जंगल की तरफ जाती हुई थी हमारी गाड़ी एकदम से बैलेंस खो दिया गाड़ी ने। और ये देखो कैसे खड़ी है अभी, मैं यही पार्क करके हम अंदर चले गए देखने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए गए हम कि भाई देखो एविडेंसेस ऐसे ही कलेक्ट होते हैं, क्योंकि सामने कोई चीज़ हुई है और आप उसी टाइम जाके अंदर वो देखो, अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। और सबसे बड़ी बात, कहाँ गया चांद, कहाँ गया? चलो वो मैं एक वो जो मैंने कैप्चर करी थी फ़ोन से
उसमें मून बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा था। ये कुछ आवाज आई इधर से, रेड मून दिखाई दे रहा था। तो भाई एकदम से कुछ भी समझ नहीं आया, और रोड पे ड्राइव करते करते हम एकदम से इस जगह घुसे, और उसी का रूम हो सकता है, उसी का रूम हो जो स्पिरिट हमें नज़र आई थी, और हो सकता है कोई और भी हो, कुछ नहीं कह सकते भाई कितने स्पिरिट्स मौजूद हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी जो दिखा था वो बिल्कुल अलग उसकी फिगर थी, बिल्कुल अलग सा लग रहा था वो, मतलब इंसान जैसा भी नहीं लग रहा था, और अजीब सा, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा उसको। इसीलिए हम अंदर गए देखने के लिए, और अंदर हमारे साथ वो एक्टिविटी हुई वो आपके सामने। तो भाई वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ, देखो कैसे कैसी जगहों पर हम जाते हैं और कैसे कैसे एडवेंचर आप लोगों के लिए लाते हैं। ऐसे ही लाते रहेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाड़ी हम सीधी करके और निकलते हैं।